पतंगबाज पिज़्ज़ा लवर। सुबह सवेरे फीका अपने घर की छत पे लेटे मजे से पतंगे देख रहा था। एक दिन आसमान में हर उड़ती पतंग मेरी दुकान की होगी। फिलहाल तो एक भी लेने के पैसे नहीं है। वाह रे मेरी किस्मत, बस किसी तरह बसंत मुकाबला में जीत जाऊं, फिर तो बस पैसा ही पैसा होगा। इतने में उसकी नजर नीचे पतंग लेकर जाते बिल्लू पर पड़ी। अरे शाबाश, क्या पतंग पकड़ी है तुमने बिल्लू मेरे दोस्त। क्या कहा दोस्त, कल तक तो तुम मुझसे बात तक नहीं करते थे, आज मैं दोस्त हो गया तुम्हारा। ऐसी बातें मत करो दोस्त, माना कि पतंग तुम्हारी है, मगर मेरे बिना तुम जीत भी तो नहीं सकते। मैं जीतूं या हारूं, मगर ये पतंग मैं तुम्हें नहीं देने वाला। ये कहकर पतंग लिए बिल्लू वहाँ से भाग गया। इतने में फीके का फोन बजा। देखा तो सरदार की कॉल थी। अरे ओए फीके, कहाँ मर गया है, आया क्यों नहीं आज काम पे हराम खोर? वो मेरी तबीयत नहीं ठीक सरदार जी, वरना अल्लाह झूठ ना बुलवाए। आपको तो पता है मैंने कभी छुट्टी नहीं की। तेरी छुट्टी तो मैं करवाता हूँ, कितनी दफा कहा है कि। इतने में फीके की नज़र आसमान में गिरती हुई एक सुनहरी दिल वाली पतंग पे पड़ी। वो फौरन अपना फोन वहीं पर छोड़कर काइट की तरफ दौड़ पड़ा। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कोई हरामखोर बोलता क्यों नहीं? हेलो। फीका भागता ही चला जा रहा था कि इतने में बशीर साइकिल पे आया। किधर की दौड़े हैं भाई, आज कल तो तू हमें लिफ्ट ही नहीं करवाता। जब से सरदार की तरफ तेरी नौकरी लगी है, तेरे तो तेवर ही बदल गए हैं। अरे पागल वागल तो नहीं हो गया तू? भैंसे नहलाने के लिए रखा हुआ है उस नामुराद ने मुझे। मैं तो अपना पतंगों का कारोबार करने वाला हूँ, तुझे सब बात मैं बताऊंगा, फिलहाल तू चल मेरे साथ। फिर फीका बशीर के साथ साइकिल पर बैठकर पतंग का पीछा करने लगा। इतने में फीके की नज़र सामने से आते चाचा इमानत पर पड़ी। ओए बशीरे, ब्रेक लगा। चाचा ने फीके को आते देखा तो हड़बड़ा कर साइकिल के आगे वहीं खड़ा हो गया। ओ चाचे, क्या हो गया है, इस उम्र में भी ऐसे मरने का शौक है? ओ मैं क्यों मरूं? ओ मरे मेरे दुश्मन। लो जी, चाचे के घर वाले तो गए काम से। तू मस्करियां छोड़, फटाफट साइकिल चला, नहीं तो पतंग निकल जानी हाथ से। वो फिर पतंग का पीछा करते करते बैलों वाले तबेले में जा पहुँचे। बैलों को देखते ही बशीर डरते हुए बोला, ओए फीके अब क्या करें, ये बैल तो मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। अरे बशीरे, वो सुना नहीं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, देखता जा मैं क्या करता हूँ। फीके ने जैसे ही पतंग उठाई तो बैल गुस्से में फीके की तरफ भागा। साइकिल को वहीं छोड़कर दोनों ने दौड़ लगा दी, फिर सीधा पिज़्ज़ा कैफे के सामने जाकर दम लिया। ओ भाई मुझे तो भूख लग गई है भाग भाग कर। भूख तो मुझे भी लगी है, और ये पिज़्ज़े की खुशबू बहुत मजे की लग रही है। ये कहते ही दोनों कैफे में जा बैठे और मजे से लगे पिज़्ज़ा खाने। पिज़्ज़ा खाने के बाद जब वेटर बिल लेकर आया और फीका पैसे देने लगा तो घबरा कर बोला, अरे बशीरे पैसे कहाँ गए? ध्यान से देख, जेब में ही होंगे। यार बशीरे जेब तो खाली है। ये सुनकर वेटर उनसे लड़ने लगा। इतने में जब पिज़्ज़े वाले की नज़र फीके पर पड़ी, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो सरदार का नौकर है, अभी कॉल करता हूँ मैं सरदार को। फीके और बशीरे ने उसकी बहुत मिन्नतें की, मगर वो एक न माना और उन दोनों को लेकर सरदार के पास पहुँच गया। सरदार ने जब सारा मामला सुना तो गुस्से में लाल पीला होकर बोला, हराम खोर, मुझे पता था तू मुझे हमेशा की तरह आज भी गोली करवा रहा था, फिकर ना कर, इस बार तेरी तबीयत जरूर साफ करूंगा। ये कहकर अपने बंदों से उन दोनों की खूब दुर्गत बनवाई। फरीद को एक्टिंग का बचपन से ही बहुत शौक था। वो अपनी अम्मी रजिया का दुपट्टा लेकर कुकिंग शो करता। फरीद की ये हरकतें देख के उसके बाप यूसुफ को शदीद गुस्सा आता।
ये क्या तमाशा लगाया हुआ है इस घर में? जब देखो माँ और बहन के कपड़े पहनकर ये नालायक खराब वीडियोस बनाता रहता है। हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने ऐसी नीच हरकतें नहीं की। कोई टके की इज्जत नहीं छोड़ी इस गधे ने मोहल्ले में मेरी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप क्यों मेरे बेटे को फजूल में डांट रहे हैं? वो तो बस हंसी मजाक करता है दोस्तों के साथ। बस तुम्हारी इसी शय की वजह से ये सब करता फिरता है। देखना एक दिन बहुत पछताओगी तुम। और अगर इसकी और रिपोर्टें मिली मुझे तो सुन लो कान खोलकर तुम भी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी वजह से माँ को कितना कुछ सुनना पड़ा। कुछ अरसे बाद कॉलेज की पढ़ाई से फारिग होकर जब नौकरी ढूंढने का वक्त आया तो वो गांव में मौजूद एक एक्टिंग एजेंसी के ऑफिस में अपना पोर्टफोलियो देने गया। अच्छा, तो एक्टर बनना है तुमने? शकल देखी है अपनी कभी? एक्टिंग करोगे वो भी तुम? थोड़ी बॉडी क्या बना ली, खुद को एक्टर ही समझने लग गए। आप मेरा ऑडिशन तो लेकर देखें, मैं बहुत। क्या ऑडिशन? हजारों आते हैं तुम जैसे यहाँ। शकल देख के बता देता हूँ कि किस में कितना दम है। जाओ निकलो यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये कहकर उसने फरीद को वहां से निकाल दिया। उसका तो जैसे दिल ही टूट गया। लेकिन फरीद हार मानने वालों में से नहीं था। उसे अपने आप पर पूरा एतमाद था। फिर फरीद के दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन एक जोकर के रूप में सड़क किनारे बलून्स लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही एक औरत पास से गुजरी, फरीद एकदम से उसके सामने आकर बोला, बाजी गुब्बारा ले लो। बदतमीज आदमी, तुझे शर्म नहीं आती? औरतों को डराता है। ये कहकर वो उसे मारने लगी। पास से गुजरते हुए लोग भी खूब हाथ साफ करने लगे और फरीद ने भाग कर जान बचाई। फिर अगले दिन एक फकीर के रूप में, मौला के नाम पे कुछ दे दो भाई, मौला के नाम पे कुछ दे दो माई। कुछ देर बाद एक आदमी गुजरा। उसने रुककर 10 रुपए का नोट निकाला और इतने में फरीद के फोन के बजने की आवाज आई। इतना महंगा फोन कहां से चोरी किया है तुमने? बोलो, रुको मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस उधर आ गई और उसको पकड़कर ले गई। फरीद ने सारा वाकया उनको बताया और माफिया मांगने लगा। उन्होंने यूसुफ को बुलाया। बाप को देखकर फरीद का रंग उड़ गया। यूसुफ ने भी फरीद को खूब मारा। नालायक, कम बख्त, भीख मांगने गया सड़कों पे, अब भीख मांगेगा। इस सारे वाकये के बाद यूसुफ ने सरदार से फरीद की नौकरी की बात की और सरदार ने उसे पुलिस में ही लगवा दिया। अरे ये तो कल ही मेरे साथ इसी हवालात में था, आज पुलिस वाला बन गया। ये जादुई लॉकअप है भाई, यहाँ से निकलकर मस्खरे भी पुलिस वाले बन जाते हैं। क्या पता कल को तुम भी यहाँ से निकलकर सीधा मिनिस्टर बन जाओ। ये सुनकर सब हंसने लग गए और फरीद शर्मिंदा होकर सब सुनता रहा। फिर एक दिन गांव में एक साथ 6 गाड़ियां चोरी हो गईं और टीपू गैंग वापस आ गया। हर किसी की जुबान पर यही था। पुलिस भी उनको आज तक पकड़ने में नाकाम थी। बहुत दिन गुजर गए लेकिन पुलिस के लिए ये केस ऐसी गुत्थी थी जो सुलझाए भी नहीं सुलझ रही थी। फरीद के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक अमीर आदमी का रूप बदला और महंगी गाड़ी किराए पर लेकर गांव में घूमने लगा। मैं इस गांव में प्लाजा बनाऊंगा, मेरे प्राइवेट प्लेन के लिए यहां एयरपोर्ट बनेगा। ऐसी बातें लोगों से करने लगा। उसे यकीन था कि चोर जरूर उसकी बात सुनकर उसका पीछा करेंगे। उसने इस प्लान में सरदार को भी शामिल कर लिया और उसके घर रहने लगा। फरीद ने सरदार के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। एक रात जैसे ही चोर गाड़ी चोरी करने आए, पुलिस वालों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया
और यूं टीपू गैंग बिलाखिर पकड़ा गया। सब ने फरीद का बहुत शुक्रिया अदा किया और सरकार ने प्रमोशन के साथ 50 लाख का इनाम भी दिया। यूसुफ भी बहुत खुश था कि आखिर उसके बेटे की एक्टिंग का शौक पूरे गांव के काम आ गया।